साथियों नमस्कार, आप लोगों को हमारे इस चैनल में स्वागत है। और आज हम इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि कितने लोग जो कि यूट्यूब पर आना चाहते हैं लेकिन वो लाज या शर्म आती है उनको, उस वजह से नहीं आ पाते हैं, वो अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी वर्क हो वो इतने आसानी से नहीं होने वाला है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो बेरोजगार के रूप में बैठे हैं, उनको वर्क नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं मिल रहा है, पढ़ाई कर लिए हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए, एक कोई संसाधन ढूंढना चाहिए जिससे कि वो अपना अपने परिवार का खर्चा चला सकें। तो इसके लिए आपके पास आप पहले ढूंढिए कि आपको कौन सा काम अच्छा लगता है। जो काम आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपकी रुचि है, आप उस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो काम आप करिए। वो काम अगर आप करेंगे तो उसमें आप सफल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप लोगों को, हर कोई व्यक्ति है जिसको कुछ ना कुछ काम, कोई ऐसा वर्क होगा जो आपको अच्छा लगता होगा करने में, वो व्यक्ति वह काम को रोज़ करता है या उसका रिवीजन ज़रूर करता होगा, दिन भर में एक बार ज़रूर उसके बारे में सोचता होगा। तो उसको ढूंढना है कि हम उस कार्य को कैसे करें, वो कौन सा कार्य है जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। अभी बहुत लोग होंगे, हर गांव में, लगभग हर गांव में अधिक से अधिक लोग मिल जाएंगे जो YouTube पर वीडियो बनाते होंगे। अगर आपको कोई काम नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं मिल रहा है, तो अभी इस समय जान ही रहे हैं नेटवर्क का ज़माना है, अगर आप नेटवर्क में आ रहे हैं तो वो नेटवर्क एक ऐसा चीज़ है कि यह एक ऐसा पौधा है, एक वृक्ष है, इसको आज आप लगाएंगे तो ये हमेशा हमेशा के लिए आपको फल देता रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको टीचिंग आ रहा है, आपको पढ़ाना आता है, आप एक टीचर बनना चाहते हैं, आप किसी स्कूल कॉलेज में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप एक बोर्ड ले लीजिए, एक मोबाइल आपके पास है ही, तो उसमें आप पढ़ाइए, उसकी वीडियो बनाइए और YouTube पर अपलोड कर दीजिए। अगर आपको अच्छा ज्ञान है तो आप उसको अपलोड करिए, लोग उसको पसंद करेंगे, इसमें आप सफलता पा सकते हैं। जो व्यक्ति मान लीजिए उसको बढ़ईगिरी आता है, वो बढ़ईगिरी करता है, अब उसको वो काम काफ़ी अच्छा लगता है, मजबूरी में नहीं, वो काम उसको अच्छा लगता है इसीलिए कर रहा है, तो उसको चाहिए कि वो भी अपना वीडियो बनाता रहे और उसके पास तो काफ़ी काम आते हैं, अगर उसको बनाएगा तो लोग उसको पसंद करेंगे, क्योंकि जो काम होते हैं वो एक ही तरह के तो नहीं होते हैं, सबको हर चीज़ की ज़रूरत होती है। कोई अगर कुक करना चाहता है, खाना बनाना चाहता है, उसको अच्छा ज्ञान है खाना बनाने का, तो वो उसका वीडियो बना करके अपलोड कर सकता है। यानी कि जिस काम में आपको रुचि है, जो काम आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है, उस काम को वो अगर करता है तो ये मान के चलिए उसमें आपको सफलता मिल सकती है। अभी आप वीडियो बना रहे हैं, हाँ, इसमें ये भी है कि लोग जब देखते होंगे तो उनको लगता है कि जब जो वीडियो बनाता है उसको ये लगता है कि हमारे रिश्तेदार देखते होंगे, हमारे दोस्त देखते होंगे, वो लोग क्या कहेंगे, हमारी इमेज पर कोई फ़र्क ना पड़ जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है, उसके इमेज पर कैसे फ़र्क पड़ेगा। जिस व्यक्ति को जो काम आता है, अगर आप उसमें सफलता पा गए, मान लीजिए आप कोई भी काम छोटा नहीं होता, आप साइकिल की दुकान खोले हैं, उस पंचर बना रहे हैं, या आप मोची की दुकान खोले हैं उसको बना रहे हैं, अगर उसी को बड़े पैमाने में आप करते रहिए, जो नए जूते होते हैं, चप्पल होते हैं, उनको आप बनाना चालू कर दें,
तो ये धीरे धीरे आपका फैक्ट्री का रूप ले लेगा, बड़ी दुकान हो जाएगी, तो आप उसमें सफल हो जाएंगे। लेकिन जब आप छोटा काम कर रहे होंगे तो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त ये कहेंगे कि ये बहुत ही छोटा काम कर रहा है। लेकिन अगर आप उस पर निरंतर काम करते रहेंगे तो वो धीरे 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 बढ़ता रहेगा और वही लोग आप लोगों की इज्जत करना चालू कर देंगे। तो इसलिए आप लोगों को जो चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही हो, जो चीज़ अच्छा लगता हो, उस काम को आप करिए। उस काम को आप करेंगे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और उसमें आप सफलता पा सकते हैं। तो हमारी बातें अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हैं, अच्छी लग रही होंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों को जो हमारे माइंड में, जो हम परिवेश में देखते हैं और वो जो अच्छा लगता है, जो आप लोगों को जानकारियाँ हम देना चाहते हैं, उसको हम और अच्छे तरीके से दे पाएँ। और आप लोग उस जानकारी को लेकर के आप लोग भी वैसा काम करिए, उस तरीके का काम करिए, ताकि आप लोग भी सफल हो सकें। हमारे आसपास में या जहाँ आप घूमने जाते हैं, देखिए, आप एक चीज़ है, अवसर की तलाश में रहिए, कहीं भी जाइए, आपको उस हिसाब का काम ढूंढ ढूंढ के करना चाहिए। जहाँ आप जा रहे हैं उसमें आप ढूंढिए कि हम वहाँ जा रहे हैं, हमारा समय जो है वेस्ट ना हो, समय का सदुपयोग हो। उसके लिए आप कुछ ना कुछ करते रहिए, ताकि आपका वो भी काम हो जाए जिस काम के लिए आप गए हैं, और साथ में जिस काम को आप निरंतर करते रहते हैं वो भी काम हो जाए। तो अगर इस तरीके का काम आप करते हैं, वर्क करते हैं, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, ये हमारी गारंटी है। और किसी के बारे में ये मत सोचिए कि फला व्यक्ति आपको क्या कहेगा, वो आपका मजाक उड़ाएगा, तो प्लीज़ वो उसको मजाक उड़ाने दीजिए। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन उनको पता चलेगा कि हाँ, वो व्यक्ति जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहा था और हमको भी करना चाहिए, तो आपसे भी वो सीख ले करके उस काम को कर सकता है। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। और जो भी सुझाव देना है आपको, हम बार बार कहते हैं कि अगर आपको कोई भी सुझाव देना है, कुछ बात आपको कहना है, जो चीज़ आपको अच्छी लगी हो या अच्छी ना लगी हो, और किस तरह की वीडियो आप चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख दिया करिए। आजकल आप लोग जानते ही हैं कि अगर आप, कुछ लोग होते हैं कि लिखना नहीं चाहते जल्दी से, तो आप कमेंट पे जाइए, वहाँ पे कीबोर्ड जो है, मोबाइल में कीबोर्ड तो आ ही जाता है, वॉइस टाइपिंग होती है, आप वहाँ क्लिक करके जो भी आपको बोलना है बोल दीजिए, बस आपको सेंड कर देना है, हो गया काम, बस इतना ही करना है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इतना तो कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, जब वीडियो बनाता है तो बेचारा कितनी मेहनत से बनाता है, कितना उसको भी ये आशा और विश्वास रहता है कि लोग हमारी वीडियो को देखेंगे और हमको पसंद करेंगे। अगर उसकी वीडियो को लोग नहीं देख रहे हैं और उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उसमें सदस्यता नहीं ले रहे हैं, तो उसका जो है मनोबल जो है टूटने लगता है। तो प्लीज़ आप लोग इसका ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर अच्छी और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए। और हम बस यही आशा आपसे, आशा और उम्मीद चाहते हैं, और आप लोगों का दिन अच्छा हो, शुभ हो, आप लोग हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।